हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लाइब्रेरी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करीम सिटी कॉलेज में आपका आज हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं प्रोफेसर ऋतुराज टिग्गा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन के बारे में कुछ बताने या पढ़ाने आई हूँ। आज हमारा ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन, जो बीएड क्लास बीएड सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 3 एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया टिल 1947 बुलेट 1 के इंडिजिनस एजुकेशन से है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या है। आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिजिनस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन, व्हाट इज इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मतलब है इंडिजिनस शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद इंडिजिनस एजुकेशन यानी कि स्वदेशी शिक्षा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और स्वदेशी शिक्षा की क्या महत्व है और ये स्वदेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, क्या है ये व्यवस्था और भारत में स्वदेशी शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन पॉइंट था मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिजिनस, यानी कि इंडिजिनस वर्ड जो जिसे हिंदी में स्वदेशी कहते हैं उसका अर्थ क्या है। द वर्ड इंडिजिनस रेफर्स टू द नोशन ऑफ अ प्लेस बेस्ड ह्यूमन एथनिक कल्चर दैट हैज नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम इट्स होमलैंड एंड इज नॉट अ सेटलर और कॉलोनियल पॉपुलेशन। स्वदेशी शब्द एक स्थान आधारित मानव जातीय संस्कृति की धारणा से संदर्भित है जो अपनी मातृभूमि से विस्थापित नहीं होते हैं बल्कि वो एक ही स्थान पर बसने वाले होते हैं और ना ही वे किसी औपनिवेशिक आबादी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन। इंडिजिनस एजुकेशन इज नॉट इनफॉर्मल लर्निंग अलोन बट रिलेट्स टू द रिकॉग्निशन एंड एक्विजिशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड नॉलेज that have been demolished or made redundant due to the introduction of modern system of education. स्वदेशी शिक्षा केवल अनौपचारिक शिक्षा नहीं है बल्कि पारंपरिक कौशल और ज्ञान की मान्यता और अधिग्रहण से संबंधित है जो शिक्षा के आधुनिक प्रणाली के शुरुआत के कारण ध्वस्त या निरर्थक हो गए हैं। अर्थात ये जो स्वदेशी शिक्षा है इसे अगर हम आज के शिक्षा के संदर्भ में इसे हम लोग तुलना करें तो ये अनौपचारिक शिक्षा नहीं है बल्कि वह जीवन के मूल्यों पर आधारित शिक्षा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन यानी कि स्वदेशी शिक्षा की क्या महत्व है। इट वॉज अ वे टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डेवलप ट्रेडिशनल इंडिजिनस स्किल्स एंड कल्चर्स। यह पारंपरिक स्वदेशी कौशल और संस्कृति की रक्षा संरक्षण और विकास करने का एक तरीका है। मतलब मनुष्य को अपने जीवन में जीने के लिए जिन आधारभूत बातों की ज़रूरत होती है उनके कौशल उनकी संस्कृति उनका संरक्षण करती है उनका रक्षा करती है और उसके विकास करती है। Education was a significant step towards empowering indigenous peoples to participate more fully in their communities. शिक्षा स्वदेशी लोगों को उनके समुदायों में अधिकाधिक पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्थात स्वदेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिससे कि मनुष्य अपने लिए और ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे समाज के लिए उसके कल्याण के लिए अधिक से अधिक भाग लेकर
अपने आप को वहाँ पर संलग्न करता है, यानी कि वो मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो आगे बढ़ता है। तो एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा जो है ऐसी थी। इट वॉज एन इंडिस्पेंसिबल एसेट्स टू अटेन फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। यह स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय में भाग लेने के लिए एक अनिवार्य संपत्ति थी। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से लिमिट करे अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से, और अपने समाज में एक न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए वो ये इंडिजिनस एजुकेशन जो है, ये स्वदेशी शिक्षा उसे सहायता करता था, उसे सपोर्ट करता था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, व्हाट इज इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। अब तक हमने देखा कि स्वदेशी शिक्षा क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था क्या है। यहाँ पर व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार से होता था। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नॉलेज सिस्टम्स डेवलप्ड बाई अ कम्युनिटी एज अपोज टू द साइंटिफिक नॉलेज दैट इज जनरली रेफर्ड टू एज मॉडर्न नॉलेज। एक समुदाय द्वारा विकसित ज्ञान प्रणालियों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया शब्द वैज्ञानिक ज्ञान के विपरीत है, जिसे आमतौर पर आधुनिक ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है इंडिजिनस एजुकेशन, ये एक ऐसी प्रणाली है जो एक समुदाय के द्वारा विकसित किया गया है। जैसे कि हमने पहले देखा कि ये मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा जो है उनको एक व्यवस्थित तरीका देती है, जो कि आज के इस आधुनिक ज्ञान, जो साइंटिफिक नॉलेज है, जिसे हम वैज्ञानिक ज्ञान, आधुनिक शिक्षा कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग था। एंड इंस्टीट्यूशंस वेयर स्टूडेंट्स वेयर टॉट इंडिजिनस लेसन्स एंड स्किल्स इन इंडिजिनस लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल संस्कृत गुरुकुल्स इन वाराणसी एंड हरिद्वार। यहाँ पर वैसे बच्चे एक किसी संस्थान में जो अपने स्वदेशी भाषा में, जो स्वदेशी कौशलों को, जो उस वहाँ के लोगों के जीवन के रहन सहन में प्रयोग होने वाले जो कौशल थे, जो भाषाएं थी, उस पर आधारित वे एक संस्थान में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे कि संस्कृत भाषा जो गुरुकुल, संस्कृत गुरुकुल जो है, जो वाराणसी और हरिद्वार में थे, जो भारत में आज भी वर्तमान में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम जो है, यानी कि स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था, ये भारत में कैसी थी। इन एंशियंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। यहाँ पर प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके मौजूद थे, यानी कि बच्चे जो है अनौपचारिक रूप से वो घरों में भी शिक्षा ग्रहण करते थे, आसपास के लोगों से भी, और औपचारिक रूप से वो आसपास में जो बुद्धिजीवी लोग होते थे वो बच्चों को शिक्षा देते थे। इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला एंड गुरुकुल्स। घर, मंदिरों, पाठशाला और गुरुकुलों में स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी, जैसा हमने देखा कि आसपास के लोग भी बच्चों को एकत्रित करके शिक्षा देने का काम करते थे। क्यों? ताकि समाज का एक अच्छे तरह से सही दिशा में समाज विकसित हो। देयर वेर पीपल्स इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रेन इन इम्बाइबिंग पायस वेज ऑफ लाइफ। घरों, गाँवों और मंदिरों में ऐसे लोग थे जिन्होंने छोटे बच्चे को जीवन के पवित्र तरीकों के बारे में बताया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो यह शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चों को भौतिकवादी जीवन के लिए प्रेरित करता है, यानी कि पढ़ लिख कर वो किस पोस्ट में जाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे, किन किन रहने जीने के लिए उन्हें किन किन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, बस वहाँ तक वो प्राप्त करने के लिए शिक्षा को उपयोग करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिजिनस एजुकेशन की बात करें तो वो भौतिकवादी जीवन के साथ साथ
मनुष्य के आध्यात्मिक और चारित्रिक जीवन पर भी बल देता था, यानी कि वो जीवन को किस तरह से एक पवित्र तरीके से जिए इस पर इंडिजिनस एजुकेशन जो है स्वदेशी शिक्षा बल देता था। आइए अब हम इंडिजिनस भारत में इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम की एक क्या इमेजिनेशन है हमारे अंदर में, वो क्या एक कल्पना है, उसे हम इस तरह से देखेंगे। जैसे आप इस वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम इन गुरुकुल, देखिए एक पिक्चर में दिख रहा है कि किस तरह से एक गुरु खुले वातावरण में छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं और छात्र किस तरह से ज़मीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो देखेंगे कि बौद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इन मठ एंड विहार, जो बौद्धिक एजुकेशन सिस्टम था वो मठों और विहारों में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दिया गया शिक्षा था, जिसमें मठ और विहारों में वो इतना बड़ा कैंपस होता था कि खुले वातावरण के बीच में जो बौद्ध भिक्षु है वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आप एक चीज़ गौर से देखिए कि बौद्ध एजुकेशन सिस्टम में लड़कियां भी मॉन्क के सामने, बौद्ध भिक्षु के सामने बैठकर किस तरह से वो एक मन होकर सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप इन्हें देखकर थोड़ा खुद भी पहचान सकते हैं, थोड़ा कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन सा इमेज जो है वो गुरुकुल सिस्टम को बता रहा है और कौन सा इमेज जो है वो बौद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को बता रहा है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग इन दोनों को देखकर अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार ज़रूर इसे पहचान लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय और एजुकेशनल सेंटर थे जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जो दीज वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वर्ल्ड फेमस इंडिजिनस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप देखिए एक पिक्चर आपको दिख रहा है, तक्षशिला जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में गिना जाता है, और ये तक्षशिला जो है ये आज पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन वहाँ रहकर भी ये आज भारत की शिक्षा को बड़े ही सही तरीके से और बड़े ही शान तरीके से भारत की शिक्षा के उच्च स्तर को वो बयान कर रहा है। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। आप नालंदा यूनिवर्सिटी को जब आप देखेंगे तो ये भी अपने उस समय के उच्च शिक्षा के, उच्च स्तरीय शिक्षा को आज ये अपने स्वर में, आज जिस अवस्था में भी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा सकता है। आप अगर देखेंगे, आप ये बिहार में, आज भी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 8वीं और 9वीं शताब्दी में की गई थी। ये भी उस समय के शिक्षा के उच्च स्तर को दर्शाता है और दूर दराज से, विदेशों से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। फिर आपको एक पिक्चर और दिख रहा होगा, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में स्थित है और ये यूनिवर्सिटी भी भारत के उच्च स्तरीय शिक्षा को दर्शाता है। यद्यपि आज ये अपने अंतिम रूप में है, ये सिर्फ हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन उस समय इसकी गौरव और इसकी महिमा को अगर जानना है तो जब तक हम यहाँ जाकर इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इसके शिक्षा के उच्च स्तर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम जो है, इसे जानना और इसे जानने के लिए हम आगे भी पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह से इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम था, जो कि हम वैदिक शिक्षा और बौद्धिस्ट शिक्षा के रूप में देख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वैदिक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे और उसको बहुत करीब से देखेंगे कि हमारा वैदिक शिक्षा किस स्तर तक था और आज भी वो कितना प्रासंगिक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद, और आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से सीखा, समझा, और मुझे उम्मीद है कि कहीं भी अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं या कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।